अरे सो गया था क्या बेटा? तेरे को तो मैंने क्लास से बाहर कर दिया था और तू बोल रहा है मैं यही था, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, तू टाइप ही नहीं कर रहा था, कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा था। अच्छा ओवर कनेक्शन आ गया था, वेरी गुड, कोई बात नहीं, दोबारा देख लेंगे फिर। ये था एग्जाम्पल 13, नाउ एग्जाम्पल 14। अब तक मेरे पास तेरा होमवर्क की शीट एक बार भी नहीं आई है बेटा। अरे एग्जाम्पल 14 बेटा देखो, मुझे बस 3x3 ऑर्डर का है, बाकी फॉर्मेट सेम ही है। अरे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल 14, 14 की इक्वेशंस हैं आपकी 2x-y+3z। इक्वल टू 9। x+y+z इज इक्वल टू 6। x-y+z इज इक्वल टू 2। ये गिवन है। फिर नीचे बोल रहा है कर सकते हो, ये ए वही है जो ऊपर आपके जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसमें से यदि आप कॉन्स्टेंट्स को लेके बनाओगे तो सेम बनेगा, ठीक है। देन फाइंड ए इनवर्स एंड सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सेम फॉर्मेट रहेगा। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको फुल फॉर्म ही लिखनी है, मैंने खाली लिख दिया नॉर्मली ऐसा ही। क्या आएगा? 2 1 1 -1 1 -1 -1 3 1 1 XYZ 9 6 2। ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म है, ठीक है, विच इज ऑल्सो AX इज इक्वल टू B, इंप्लाइज इंप्लाइज X इज इक्वल टू वॉट A इनवर्स B, देन फॉर A इनवर्स ए इज इक्वल टू 2 1 1 -1 1 -1 3 1 1। ये आपका ए दे रखा है, ठीक है। मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं, इम्प्लाइज्ड मॉड ऑफ ए 2 1 1 -1 1 -1 3 1 1, द रिजल्ट इज 2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अगर इक्वल टू 0 आ जाता है इसका मतलब कि सिस्टम सॉल्यूशन जो है वो सिस्टम का पॉसिबल नहीं है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, पता है आप लोगों को। ये डेल 0 आने का मतलब यही तो होता है इनकंसिस्टेंट, और ये डेली तो है मोड़ी। अब ए इनवर्स देन ए इनवर्स विच इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए, इंप्लाइज ए इनवर्स इज, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करके निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोड ऑफ ए से, मैं बुक से देख के लिख रहा हूँ अभी।
ये आ रही है आपकी माइनस वन बाय टू और टू जीरो माइनस टू, माइनस टू माइनस वन वन, माइनस फोर वन थ्री, ये आपका ए इनवर्स है। ठीक है, ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इधर वाला रब करूंगा। मैंने अभिषेक तुमसे पूछा था, अभी तक तुम्हारा होमवर्क मेरे पास एक बार भी क्यों नहीं आया है? ज्यादा पढ़ लिया है क्या इलेवेंथ में, जो ट्वेल्थ में पढ़ने का मन खत्म हो गया? कल प्रिस्क्रिप्शन चाहिए मुझे तुम्हारे वायरल था तो, प्रिस्क्रिप्शन मेरे व्हाट्सएप पे आ जाना चाहिए आज की तारीख में। देखो, इंप्लाइज्ड एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इंप्लाइज्ड एक्स इज इक्वल टू वन बाय टू नेगेटिव है, टू जीरो माइनस टू, माइनस टू माइनस वन वन, माइनस फोर वन थ्री, बी की वैल्यू पुट करो, बी है आपका नाइन सिक्स टू। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज दे रखी है, उनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है एटीन जीरो माइनस एटीन, एटीन जीरो माइनस एटीन, सॉरी मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स, माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स, और ये है आपका माइनस वन बाय टू। इनको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपका वन टू और थ्री, जो कि किसके इक्वल चल रहा था, x के। इंप्लाइज्ड x क्या है हमारा, x y z, और दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती है, वन टू थ्री, जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। इंप्लाइज्ड x इक्वल टू वन, y इज इक्वल टू टू एंड z इज इक्वल टू थ्री। तो ये सॉल्यूशन था आपका। एग्जाम्पल 15, ए और बी को मल्टीप्लाई करने को कह रहा है, आप लोगों को आता है, बाद में सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखा है उसे सॉल्व करने के लिए कह रहा है, वही नॉर्मल है। बस यहाँ पे क्या है ना, कहीं पे जेड नहीं है तो कहीं पे एक्स नहीं है, जो वेरिएबल नहीं है उन्हें जीरो का जीरो कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो। जैसे फर्स्ट फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है आपकी एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री, जिसे आप लिख सकते हो एक्स माइनस वाई प्लस जीरो जेड इक्वल टू थ्री, उसके बाद में सेम सिस्टम बन जाएगा और सेम फॉर्मेट रहेगा सॉल्व करने का। एग्जाम्पल 16, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है, जबकि क्या दे रखा है आपको, एक मैट्रिक्स फॉर्म में सिस्टम दे रखा है। अब मैट्रिक्स फॉर्म में जब सिस्टम होता है तो उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करूं, अगर नॉर्मल दे रखा है यानी ए एक्स बराबर बी है, जब तो डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो आप, बट इसने क्या कर रखा है यहाँ पे, जो वेरिएबल फॉर्म्स है वो दो बार दे रखी है, तो पहले क्या करो, मल्टीप्लाई करो और इसको नॉर्मल सिस्टम में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई करके नॉर्मल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके फिर दोनों को कंपेयर करो, और कंपेयर करने के बाद में एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनेगा नया, उसके लिए आप मैट्रिक्स फॉर्म बनाओ और उसके बाद में सेम फॉर्मेट से सॉल्व करो। एक बार एग्जांपल नंबर 16 ट्राई करना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, और एक्सरसाइज आपके लिए 5.2। आज की क्लास यहीं पे खत्म करेंगे, और एग्जांपल नंबर 16 ट्राई करना, अगर हो जाता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो वी विल गोना बी डिस्कस अबाउट इन अदर क्लास, ओके, इन आवर नेक्स्ट क्लास।
Yeah. Bye to all of you and have a nice day to all of you.